स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेकिंग द एक्यूरेसी। चेकिंग द एक्यूरेसी, ठीक है। कल ये टॉपिक करवाया था, एक्यूरेसी को चेक करना था। बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर आ जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। कल तीन क्वेश्चन बताई थी मैंने, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और v square minus u square is equal to as। ये तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे, उनको चेक करके देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही करवाया था, पर v square minus u square is equal to as और इस फॉर्मूले को चेक किया था और हमें ये फॉर्मूला क्या मिला था, करेक्ट मिला था, ठीक है। आज मैं ये करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं s equal to ut plus half at square वाला फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूले का, फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला है उसको आप चेक कर सकते हो बाय द एक्यूरेसी ऑफ चेकिंग, ठीक है। अब जैसे s is equal to ut plus half at square, इसको चेक करना है ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। हमें पता है s क्या है, डिस्टेंस, u क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड का क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या बनेगा, लेंथ। बताया था ना तीन प्रकार के होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। ये मास, ये लेंथ, ये टाइम। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो लेंथ में वापस आऊंगा, ठीक है। लेंथ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, एल। अब अगर राइट हैंड साइड की बात करूं, राइट हैंड साइड में क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को लेंथ में, टाइम को टी में, एल टी माइनस वन, टी ऊपर गया तो वेलोसिटी का क्या मिला, हमें डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, ठीक है। और इस टाइम का ए टी ये हमें मिल गया, ठीक है। प्लस वन बाय टू का डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू, और इनटू टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू कैसे आया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी ना तो मास में मापी जा रहा है, ना ही लेंथ में, ना ही टाइम में, तो वेलोसिटी को भी तोड़ना पड़ेगा। वेलोसिटी को तोड़ो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक टाइम पहले था, टाइम का क्या हो गया, स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट लगा लो, डिस्टेंस लगा लो, ये तो लेंथ में मापी जाओगी, तो ये एक एल मिल गया, नीचे टाइम का स्क्वायर था तो एल टी माइनस टू इसका मिल गया। अब देखो एल, ये टी माइनस वन, ये टी प्लस वन कैंसिल टू इच अदर, क्या बचा, अकेला है प्लस, ये t माइनस दो, ये t प्लस के दो कैंसिल टू इज इधर, क्या बचा, l। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बताते हैं ना, फिजिक्स का मैथ अलग है अगर सेम चीज है, ठीक है। सेम चीज है अगर सेम में सेम जोड़ेंगे तो सेम ही मिलेगा, और सेम में सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही मिलेगा, चाहे घटा लो चाहे जोड़ लो, अगर दोनों चीज सेम है तो सेम ही मिलेगा। अब l प्लस l हमें क्या मिलेगा, l, ठीक है। ये राइट हैंड साइड मिल गई हमें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, एल, और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला है, एल। यानी लेफ्ट हैंड साइड किसकी तुलना की, राइट हैंड साइड की, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, करेक्ट है। ऐसे ही करना है, ठीक है। अब पहले वाला आपको करके देखना है, ठीक है। दो मैंने करवा दिए हैं, एक आपको करके देखना, कौन सा, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at में आपको ये पता होना चाहिए, v क्या है, u क्या है, t क्या है, ठीक है। v is equal to u plus at, देखो सीधे से बता रहा हूं, वेलोसिटी है ये, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। अब वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का सेम मिलेगा। इस वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला मिलेगा एल टी माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड का क्लियर, ठीक है। राइट हैंड साइड का एल टी माइनस वन क्लियर, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन का क्या मिलेगा, एल टी माइनस टू, अभी करवाया था ना पीछे, और इसका टी वन, एक टी है ना, ठीक है। अब ये प्लस वन, ये माइनस टू, तो कितना बचा माइनस का वन, और बताया है ना अभी फिजिक्स का मैथ अलग होता है। लेफ्ट हैंड साइड में एल टी माइनस वन, सेम चीज है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन,
दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा यानी कि एल टी माइनस वन। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे सभी फॉर्मूले क्या है, करेक्ट है, आपको चेक करने हैं। फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला उठा लियो, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फॉर्मूले राइट हैंड साइड की डायमेंशन फॉर्मूले बराबर आते हैं तो फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।